डीएसपी नैना देवी अभिमन्यु वर्मा द्वारा थाना स्वारघाट का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिसकर्मियों को कहीं उनके आने की भनक ना लगे इसके लिए भी डीएसपी अपने वाहन में बदलाव करके क्यूआरटी वाहन में थाना पहुंचे थे। फिलहाल निरीक्षण में थाना की व्यवस्था माकूल पाई गई और कोई भी खामियां नहीं मिली। जिला बिलासपुर के कंद्रोर में पुलिस द्वारा सुलझाई गई चोरी की गुत्थी के बाद पकड़े गए चोरी के आरोपियों के कहीं स्वारघाट के बॉर्डर एरिया में हुई चोरियों में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसको लेकर डीएसपी अभिमन्यु वर्मा द्वारा स्वारघाट पुलिस के साथ चर्चा की गई। इसके साथ ही चोरी की वारदातों को सुलझाने में अहम रोल निभा रहे सीसीटीवी कैमरों की रेंज तथा फोकस का निरीक्षण करते हुए डीएसपी द्वारा चंडीगढ़ मनाली हाईवे के तहत पड़ने वाले स्वारघाट पेट्रोल पंप पर एक और अतिरिक्त कैमरे लगाने पर प्रबंधन से बातचीत भी की। उन्होंने स्वारघाट में बड़े वाहनों को मोड़ने के लिए आ रही दिक्कत तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए बस स्वारघाट में पुलिस थाना स्वारघाट के सामने बनने वाले प्रस्तावित चौक तथा बत्तियों पर भी डीएसपी द्वारा जानकारी ली गई। आज मैंने औचक निरीक्षण किया था पुलिस स्टेशन स्वारघाट का और पेट्रोल पंप जो पुलिस स्टेशन है स्वारघाट का, तो यहाँ पर सब ठीक पाया गया स्वारघाट में। और साथ ही जो एक चोरी का केस हुआ था हमारे एरिया में उसकी भी डिस्कशन की गई और जो बिलासपुर में भी कुछ चोर पकड़े गए थे जो कंड्रोल में एक चोरी हुई थी, तो उसमें भी आई को डायरेक्शन दी गई थी, वहाँ का भी डाटा ले उसको भी केस में देख अपने तफ्तीश में देखें कि कहीं उनकी लोकेशन इस एरिया में तो नहीं आई है ताकि हम केस को उसको आगे बढ़ा सकें। साथ ही जो यहाँ पर रोड की व्यवस्था है जब से बस स्टैंड बना काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी, तो साथ ही उसमें हिदायत दी गई है चौक यहाँ पर बनना है, तो उसमें भी जो एसएचओ हैं उस वक्त उनको और एमएससी को हिदायत दी गई कि किस प्रकार हम अपनी व्यवस्था यहाँ पर उसमें बनाएंगे। और साथ में जो स्पेस खाली हुआ है अभी जहाँ बसेस कटती थी पहले बस स्टैंड बनने से पहले, वहाँ पर अनऑथराइज गाड़ियाँ लग रही हैं उनको रिमूव किया गया ताकि रोड हमारा खुला रहे। साथ ही जो पेट्रोल पंप की चेकिंग की गई तो उसने क्वांटिटी पे चेक किया और साथ में जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे उनके देखा गया और उनको कुछ हिदायत दी गई कि कुछ फोक्सिंग जो कैमरा को ठीक करना था, एक एक्स्ट्रा कैमरा जो रोड की और लगाने के लिए उनसे आग्रह किया गया, उन्होंने उसको मान लिया है। इसी तरह जो उनके फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हैं वो भी चेक किए, जो ठीक हाल में पाए गए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या आने पर उसका यूज प्रॉपर किया जा सके।